मैं जिस भी क्षेत्र में गया सभी महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में नहीं आया। सभी महिलाओं को भी लगा कि हमारे खाते में कांग्रेस की सरकार 1500 रुपए भेजेगी, कहीं उन्हें बटुए सला लिए नहीं, बोला मोबाइल का ही खर्चा निकल जाएगा। लेकिन आज 1 साल पूरा होने को आ गया, एक आना भी हमारी बहनों के खाते में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में नालायक और जनता को ठगने वाली सरकार कार्य कर रही है। चुनावों के समय कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां देकर सत्ता हासिल की, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी कोई गारंटी पूरी नहीं हो पाई। इसका जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। यह बात प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत हाड़ाबोई, धयानारा, धवाल और एहण गांव के दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला करते हुए कही। हम देख रहे थे कि हिमाचल में वातावरण भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। 2022 के चुनावों में सबको लग रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस के मित्रों को जब कुछ नहीं दिखा उनको लगा तो अब तो भाजपा आ जाएगी। उन्होंने कहा, उनके बड़े नेताओं ने निर्णय लिया कि लोगों को ठगा जाए और कहा कि हम आपको 10 गारंटियां देते हैं, हम वायदा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये 10 गारंटियां हम पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे। दिसंबर में सरकार बनेगी तो पहली गारंटी कहा कि जनवरी में हर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएगा। बाकी जगह तो आया नहीं आया, पर लेकिन मुझे लगता है धनियारा वालों के आ गया होगा, क्योंकि हाड़ाबोई वालों ने भी मना किया। मैं जिस भी क्षेत्र में गया सभी महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में नहीं आया। सभी महिलाओं को भी लगा कि हमारे खाते में कांग्रेस की सरकार 1500 रुपए भेजेगी, कहीं उन्हें बटुए सला लिए नहीं, बोला मोबाइल का ही खर्चा निकल जाएगा। लेकिन आज 1 साल पूरा होने को आ गया, एक आना भी हमारी बहनों के खाते में नहीं आया। ऐसी नालायक सरकार आज काम कर रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।